बनता है, घी में भी अच्छा बनता है। अब डाल दी हरी मिर्च के, हरी मिर्ची के साथ ही लहसुन डाल दिया ताकि ये भुन जाएगा। देखो लहसुन भुन गया है, अब डालेंगे प्याज। प्याज डाल दिया और प्याज को भून लेंगे। मैंने देखो प्याज के साथ ही मैंने मटर डाल दी ताकि मटर भी थोड़ी सी पक जाए, क्योंकि साग तो बना हुआ होता है पर मटर पकने में थोड़ा टाइम लेती है। पहले मैंने नमक और हल्दी डाल दी है ताकि ये मटर थोड़ी जल्दी अच्छे से गल जाएंगे। मटर पक जाएंगे तो साग तो डालते ही थोड़ा सा थोड़ी देर में ही रेडी हो जाएगा। मटर बनकर हो गई है रेडी, और अब डालेंगे थोड़ा टमाटर। टमाटर डाल दिया हमने, डाल दिया नमक और हल्दी तो हमने डाला हुआ था पहले ही। अब इनको अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला सारा एक जैसे मिक्स हो जाए। एक मसाला और मटर और सब मिक्स हो गए अच्छे से, और अब डालेंगे साग। देखो साग हमने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनट इसको पकाएंगे ताकि मसाला और साग एक से साथ मिक्स हो जाए। ये देखो मटर के साथ साग कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मटर डाल के आप भी बना के देखना। और बन के हो गया साग रेडी। और मैं दे बताना कि मेरी रेसिपी ये साग वाली कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, और राम राम।